एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान मुकाबला एक एक गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तान टीम ने गोल करने के कई यकीनी मौके जाया किए, जिसके बाद पाकिस्तान टीम मैच में कामयाबी हासिल न कर सकी। भारत के शहर चेन्नई के मियर राधा कृष्णा स्टेडियम में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच पाकिस्तान और दिफाई चैंपियन कोरिया के दरमियान खेला गया। इब्तदाई 5 मिनट में पाकिस्तान टीम ने गोल करने के दो आसान मौके जाया किए। पहले क्वार्टर में कोई टीम गोल न कर सकी, जबकि दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान के अब्दुल खन्नान ने गोल करके पाकिस्तान को दिलाई। एक गोल के खसारे में जाने के बाद कोरिया ने तीसरे क्वार्टर में शानदार खेल का मुजाहिरा किया और कई पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन गोल न कर सकी। 53वें मिनट में जीवन यंग ने पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए गोल करके मैच 1-1 से बराबर कर दिया। मैच के अख्तितम पर पाकिस्तान को गोल करने का एक और मौका मिला, जिससे टीम फायदा न उठा सकी और मैच 1-1 से बराबर रहा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज इवेंट के पहले मैच में मलेशिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज आराम का दिन है। पाकिस्तान तीसरा मैच 6 अगस्त को जापान के खिलाफ खेलेगा। इवेंट के एक और मैच में जापान और मेजबान भारत की टीमों के माबेन अहम मैच भी 1-1 गोल से बराबर रहा। मैच के इब्तदा में जापान ने गोल करके सबकत हासिल की, जिसे बराबर करने के लिए भारतीय टीम ने सरतोड़ कोशिश की और बिलआखिर गोल बराबर करने में कामयाब रही। इवेंट में अब तक कौमी टीम ने बेहतर खेल पेश किया है, लेकिन गोल करने के मौके जाया करने के बाइस वो अब तक कोई कामयाबी हासिल न कर सकी। इवेंट के पहले मैच में मलेशिया से शिकस्त और जनूबी कोरिया से बराबर खेलने के बाद अब कौमी टीम के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं और इसे फाइनल तक रसाई के लिए जापान, चीन और भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल करना होगी। बसूरत दीगर टीम टूर्नामेंट से आउट हो सकती है।